गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर सेक्रेटरी मेंबर पंजाब नेशनल बैंक। आज हम एक और स्टोरी सक्सेस शेयर करेंगे। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फर्स्ट पार्ट इज़ इन हिंदी एंड सेकेंड पार्ट इज़ इन हिंदी। ये स्टोरी है एक बिहार के रहने वाले और वहाँ के भी एक छोटे शहर में रहने वाले लड़के की, जिसका नाम है ध्रुव आर्यन। यह लड़का इंग्लिश में भी वीक था, मैथ्स में भी वीक था और कई साल से बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। फेसबुक के ज़रिए इसको मेरे बारे में पता लगा कि इसने मुझसे बात की और हमने कुछ सेशंस इसके लिए, जिससे कि वो चीज़ें बताई जिससे ये अपनी ज़िंदगी के अंदर इन सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इन सेशन में हमने जिक्र किया कि इंग्लिश में अपने आप की तैयारी कैसे करें, मैथ्स के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट करें, जनरल अवेयरनेस में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, रीजनिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट करें। इस लड़के ने उसी तरीके से तैयारी शुरू करी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगी, कई फेलियर्स के बाद एग्ज़ाम पास होने लगे पर इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिली। पर यह मेरे टच में रहा, तैयारी करता रहा और एक दिन ऐसा आया कि जब इसने दो तीन एग्ज़ाम एक साथ पास कर लिए। सबसे खुशी की बात यह है कि इन एग्ज़ाम्स के पास करने के बाद IBPS क्लर्क के थ्रू अल्टीमेट सिलेक्शन हुई और आज केनरा बैंक गुजरात के अंदर ये कार्यरत है। तो इसकी स्टोरी से हमें क्या समझ आया? समझ ये आया कि अधिकतर लोग बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर कई बार उनका तैयारी करने का तरीका गलत है। अब क्योंकि वो बार बार उसी तरीके से तैयारी करते जा रहे हैं और रिज़ल्ट उनका पॉजिटिव नहीं आता और उनको कोई गाइड भी नहीं मिलता जो उनको गाइड कर सके कि सही तरीका क्या है, तो वो बार बार फेल होते रहते हैं। इस लड़के के एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने देखा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सबको एक एक करके एडवाइस कर सकूं, तो मैंने वो सारी टिप्स अपने वीडियोस के फॉर्म में इस चैनल पर डाल दी हैं। अब जो कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि भाई इंग्लिश में कैसे मैं इम्प्रूवमेंट करूं, क्वांट में मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करूं, रीजनिंग में मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करूं, जनरल अवेयरनेस में कैसे इम्प्रूवमेंट करूं, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी लोग उसके बाद से जो इस चैनल के सब्सक्राइबर बने और इन वीडियोस को देख के तैयारी कर रहे हैं, मुझे खुशी है ये शेयर करते हुए कि वो मुझे कॉल करके या मैसेज भेज के बताते हैं कि मेरा भी एग्ज़ाम पास हो गया। इस साल भी स्टेट बैंक क्लरिकल एग्ज़ाम में काफ़ी कैंडिडेट्स उन्हीं टिप्स के जरिए पास हुए हैं जो मैंने वीडियोस के जरिए इसमें दिए हैं। इनिशियल ईयर्स में मैं पर्सनल कैंडिडेट्स ले रहा था, 1-to-1 कोचिंग दे रहा था, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स का बैंकिंग के अंदर जॉब लग चुका है। आज मैंने आपको एग्जांपल दिया है ध्रुव आर्यन का, जो बिहार का रहने वाला है। सिर्फ टेलीफोनिक गाइडेंस के आधार पर आज वो बैंक में नौकरी करने में कामयाब हो गया। आप भी कामयाब हो सकते हैं, आपके लिए आसान ही तरीका है, कोई इसमें आपको खर्च भी नहीं करना है, वीडियोस को देखना है, बताए हुए छोटे छोटे नुक्तों को अपनी ज़िंदगी में उतारना है और सक्सेस की तरफ बढ़ जाना है। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल टॉक इन इंग्लिश। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ए स्टोरी ऑफ ए वेरी सिंपल बॉय नेम्ड ध्रुव आर्यन। ही हेल्स फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन बिहार। ही वॉज यूज टू अपीयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन विद नो सक्सेस। Suddenly he got my number through Facebook. He called me, "Sir, I need your guidance." At that time I was used to provide 1-to-1 guidance through telephonic sessions, and I examined his case and I found he is very weak in English, even he is weak in maths. I told him how he can improve his performance in English and maths, reasoning and general awareness. He followed the path which I suggested. Gradually I found after few failures in some examinations, he started clearing the bank exams simultaneously. He cleared many exams, and after clearing many exams, he appeared for some interviews also, but he could not clear the interview.
But I always told him, never give up. Go ahead. Continue your preparations. And ultimately he succeeded. One day he gave me good news that, sir, I am selected for IBPS clerk. He has been allotted Canara Bank and presently working in a branch in Gujarat in Canara Bank. After his success, I decided, as I am not able to spare time for individual candidates, I should share this experience through my videos on this YouTube channel. Now I have created lot many videos, and all these videos are available on this channel. The candidates, those are appearing for bank examination, they can watch all these videos. These videos cover how you should improve in English, how you should improve in quant, how you should improve in reasoning, how you should prepare for general awareness and banking awareness. Now more than 90 videos are there on banking awareness. All are small duration videos, so that these are crisp videos, very helpful to you. And I am happy to share that after the result of State Bank Clerks, many candidates called me and told that, sir, through your channel I am able to clear the examination. Because the purpose of this channel is to help all the prospective banking aspirants, and they should clear the examination with flying colors. So if you are also appearing for bank examination, just go through these videos, understand the basic tips, and be a success story like Dhruv Aryan, now who is pursuing a career in the banking. All the best. God bless you all. Thank you.